मोहित, फिनटेक का रेवेन्यू मॉडल एक बहस का मुद्दा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूपीआई ले लीजिए, आप 100 रुपए भेजते हैं, 100 रुपए चला जाता है, इसमें बैंक को क्या मिला, फिनटेक को क्या मिला? और नहीं मिला तो उनकी कमाई क्या है, उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको वो कहां से मैचअप करेंगे? तो ये क्या आप लोगों ने सोचा है, फिनटेक क्या कमाई करेगा, कैसे करता है, और आने वाले समय में जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, जब चैलेंजेस बढ़ेंगे और कंज्यूमर को आपको उसी कॉस्ट पे वही सर्विस देनी है, मे बी उससे अच्छी सर्विस देनी है, तो फिनटेक कंपनी आके कैसे सर्वाइव करेंगी, ये चैलेंज कितना बड़ा दिखता है? जी गौरव, तो देखिए मैं 2 कदम पहले पीछे लेता हूँ और एक एक थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देना चाहूँगा। जो आज भारत में फिनटेक का सीन है वो 300 का आंकड़ा है। 300 क्या है इसमें? 100 करोड़ की आबादी जिसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, 100 करोड़ की आबादी जो कि मोबाइल फोन यूसेज करता है, और 100 करोड़ की आबादी जिसका जिसके पास में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसके पास में आधार है। ये जो 100 की ट्रिनिटी है ये इस देश की फिनटेक इकोसिस्टम को ड्राइव कर रही है, राइट? जब आप इतनी बड़ी वॉल्यूम पे बात करते हैं, इतने बड़े स्केल पे बात करते हैं, और एक बहुत अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन वॉल्यूम्स टेंड्स टू इन्फिनिटी द कॉस्ट टेंड्स टू जीरो, राइट? तो होता क्या है, जब आप इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को आप एक व्यवस्था बनाकर दे रहे हैं, तो आपके जो स्केल के जो बेनिफिट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उससे जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो समय के साथ कम होता रहता है। जहाँ तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ये एक काफ़ी बहस का मुद्दा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे ही फिनटेक्स अक्सर जूझते रहते हैं। जितने फिनटेक अभी तक हमने देखे हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो बड़े हुए हैं या जो आगे जाके लिस्ट हो गए, वो बहुत ही अच्छी तरह से फंडेड थे। कुछ $33 बिलियन की फंडिंग भारतीय फिनटेक स्पेस को मिली है अब तक, राइट? और जिनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, क्या वो अपनी व्यवस्था को उसी तरह से चला पा रहे हैं, क्या वो अपने इकोसिस्टम को या टेक्नोलॉजी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पा रहे हैं, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पर सरकार को चाहिए कि थोड़े से जो रूल्स हैं उसको रिलैक्स करे। जैसे यूपीआई का जो बेस है पूरा, वहाँ पर किसी के लिए कुछ पैसा नहीं बनता।